हेलो बच्चों, हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उसका मूल्यांकन किया था, अलाउद्दीन खिलजी का। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बाद में कौन कौन से शासक खिलजी डायनेस्टी में हुए इनके बारे में पढ़ते हैं। शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी, मलिक काफूर के प्रभाव में आकर अलाउद्दीन ने अपने अंतिम दिनों में अपने बड़े पुत्र खिजर खान को उत्तराधिकार से वंचित करके अपने 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उमर को सुल्तान घोषित कर दिया और उसके नाम पर शासन चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद के साथ विवाह कर लिया। अब उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठी और उसने सिंहासन के अन्य दावेदारों को अपने मार्ग से हटाने का निश्चय किया। खिजर खान और उसके छोटे भाई शादी खान को उसने कारागार में ही अंधा करवा दिया। सुल्तान के अन्य पुत्रों को भी कारागार में डाल दिया क्या? कुछ दिनों बाद उसने सुल्तान के 17-18 वर्षीय तीसरे पुत्र मुबारक को अंधा करने के लिए अपने 4 विश्वस्त सैनिकों को कारागार में भेजा, परंतु मुबारक ने मृत सुल्तान के प्रति उनकी निष्ठा को जगाकर तथा भारी रिश्वत देकर उन्हें मलिक काफूर का वध करने के लिए भेज दिया। चारों सैनिक सीधे काफूर के पास पहुंचे और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वह केवल 35 दिन तक सत्ता में बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद अमीरों ने मुबारक को सुल्तान का संरक्षक नियुक्त किया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के बाद उसने उमर को अपदस्थ करके अंधा कर दिया और स्वयं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। देन उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, शिहाबुद्दीन उमर के बाद में कौन आता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 20 ईस्वी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अमीरों, सैनिकों और जनता की सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से उदारतापूर्वक शासन आरंभ किया। सैनिकों को संतुष्ट करने की दृष्टि से उन्हें 6 माह का वेतन पेशगी दे दिया। अपने पिता के समय के कठोर अध्यादेश निरस्त कर दिए। समस्त बंदियों को रिहा कर दिया गया और जिन लोगों को राजधानी से निष्कासित कर दिया गया था उन्हें वापस आने की अनुमति दे दी गई। जिन लोगों की जागीरें जब्त कर ली गई थी उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी गई। अलाउद्दीन के कठोर दंड व्यवस्था को उदार बना दिया गया, किंतु काफूर की हत्या करने वाले चारों सैनिकों को दंड दिया गया क्योंकि वे अपने लिए अपनी योग्यता से भी अधिक सम्मान की मांग करने लगे थे। इसके बाद सुल्तान सांसारिक भोग में डूब गया। गुजरात के विद्रोह का दमन। अलाउद्दीन के अंतिम दिनों में मलिक काफूर द्वारा गुजरात के सूबेदार अलक खान की हत्या करवा देने के परिणाम स्वरूप अलक खान के समर्थकों ने गुजरात में विद्रोह कर दिया था, जिसे दबाने का काफूर को समय ही नहीं मिल पाया था। मुबारक शाह ने सुल्तान बनते ही गाजी तुगलक और आइन उल मुल्क को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। इन लोगों ने गुजरात पहुंचकर विद्रोह का दमन कर शांति स्थापित की। इसके बाद जफर खान को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया, जिसने योग्यता से शासन किया, परंतु 1311 ईस्वी में बिना किसी विशेष कारण के सुल्तान ने जफर खान को मरवा डाला, जिससे पुनः विद्रोह उठ खड़ा हुआ। नए सूबेदार कुरेशी ने काफ़ी समय के बाद पुनः शांति एवं व्यवस्था कायम की। देवगिरी पर आक्रमण। सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद राजधानी में उत्पन्न राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर देवगिरी के राजा हरपाल देव ने दिल्ली की अधीनता को त्याग कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुबारक शाह स्वयं सेना लेकर उसके विरुद्ध गया। हरपाल देव परास्त हुआ और बर्बरतापूर्ण ढंग से उसके मौत के घाट उतार दिया गया। मलिक यकलकी को नया सूबेदार नियुक्त कर सुल्तान वापस लौट गया। थोड़े दिनों बाद जब यकलकी ने भी स्वतंत्र होने का प्रयास किया तो उसका भी दमन कर दिया गया और आइन उल मुल्क को नया सूबेदार नियुक्त किया गया। अन्य घटनाएं। देवगिरी से दिल्ली लौटते समय मार्ग में सुल्तान को भनक पड़ी कि कुछ अमीरों ने उसका वध करके अलाउद्दीन के भतीजे असदुद्दीन को सुल्तान बनाने का षड्यंत्र रचा है। इस संदेह मात्र पर उसने असदुद्दीन और उसके परिवार के सभी सदस्यों तथा बहुत से अमीरों को मरवा डाला।
इतना ही नहीं अपितु अपने अंधे भाइयों खिज्र खान, शादी खान और उमर खान के वध के आदेश भी भिजवा दिए। अपने ससुर जफर खान जो गुजरात का सूबेदार था को भी मरवा डाला। दिल्ली पहुंचने पर उसने खिज्र खान की विधवा देवल देवी को अपने हरम में डाल लिया। खुसरो का उत्थान। एक सामान्य दास की स्थिति से सत्ता के शीर्ष स्थान तक पहुंचने वाला खुसरो गुजरात की एक निम्न जाति परवारी बरबारी का सदस्य था। बाद में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। खुसरो में एक सफल सैनिक एवं सेना नायक राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ के सभी आवश्यक गुण विद्यमान थे और राजनीतिक षड्यंत्र रचने में तो वह पूर्ण रूप से दक्ष था। उसने अपनी योग्यता तथा अन्य गुणों से मुबारक शाह को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब तेलंगाना और सुदूर दक्षिण के हिंदू राज्यों में विद्रोह के लक्षण प्रकट होने लगे तो उन राज्यों पर दिल्ली की प्रभुसत्ता पुनः स्थापित करने के लिए खुसरो को भेजा गया। खुसरो ने तेलंगाना के प्रताप रुद्रदेव को परास्त कर दिल्ली के अधीन बने रहने को विवश किया और फिर खुसरो ने सुदूर दक्षिण के अन्य क्षेत्रों को भी रौन डाला। इस संपदा मिली जिससे उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठी और उसने दक्षिण में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का स्वप्न देखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कुछ स्वामी भक्त अमीरों ने सुल्तान को खुसरो की योजना भिजवा दी। सुल्तान ने खुसरो को तत्काल दिल्ली बुला लिया। खुसरो ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए उल्टे उन अमीरों जिन्होंने सुल्तान को उसको इसके विरुद्ध सूचना भेजी थी पर राजद्रोह और विश्वासघात का झूठा आरोप लगाया। सुल्तान खुसरो की बात को सच मान बैठा और उन अमीरों को सख्त सजा दी। मुबारक शाह की हत्या। अब खुसरो ने सुल्तान को अपदस्थ करके सिंहासन हत्याने का कुचक्र रचा। अवसर भी अनुकूल था। सुल्तान अत्यधिक रक्तपात तथा क्रूरता के कारण अलोकप्रिय होता जा रहा था और इंद्रिय सुखों में डूब जाने से उसके राज्य कार्य के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। सुल्तान इस सीमा तक बेशर्म हो गया था कि स्वयं स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आने लगा और भरे दरबार में नाचने वाली लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसका दरबार निम्न पेशेवर लोगों का अखाड़ा बन गया। खुसरो ने युवक सुल्तान को सुरा और सुंदरी में डुबोए रखा। मुबारक शाह ने प्रसन्न होकर खुसरो को अपना वजीर नियुक्त कर दिया। इसके बाद खुसरो ने सुल्तान से गुजराती सैनिकों की एक नई सेना गठित करने की स्वीकृति ले ली। सुल्तान ने खुसरो को शाही महल में रहते समय किसी भी समय अपने संबंधियों से शाही महल में ही मिलने की स्वीकृति दे दी। नशे में डूबा सुल्तान खुसरो के कुचक्र को समझ नहीं पाया। अब खुसरो के सैनिक उसके संबंधियों के रूप में रात्रि के समय उससे मिलने आने लगे। 15 अप्रैल 1320 की रात्रि में खुसरो के सैनिकों ने अचानक शाही महल पर आक्रमण कर दिया और मुबारक शाह को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरे दिन खुसरो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। अब हम आते हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी। मुस्लिम इतिहासकारों ने खुसरो पर इस्लाम विरोधी कार्य करने का आरोप लगाते हुए उसकी कटु भर्त्सना और निंदा की है, परंतु उनके विवरणों को सही नहीं माना जा सकता। खुसरो एक भारतीय मुसलमान था और संयोगवश जब भी कोई भारतीय मुसलमान किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा तो तुर्क अमीरों उलेमाओं और इतिहासकारों ने उसकी निंदा करने में कभी संकोच नहीं किया। इमामुद्दीन रिहान मलिक काफुर और खुसरो इन सभी को भारतीय मुसलमान होने का फल भुगतना पड़ा। सुल्तान बन जाने के बाद खुसरो ने पुराने अमीरों और पदाधिकारियों को पूर्वक पदों पर बने रहने दिया, परंतु जो खलजी वंश के प्रति निष्ठा रखने का दावा करने लगे थे उनको हटा दिया गया और बाद में उनमें से कुछ को मरवा डाला गया। उपाधियों पदों तथा धन का अपव्यवतापूर्ण वितरण करके खुसरो ने अधिक से अधिक अमीरों और अधिकारियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने विधवा देवल देवी से विवाह कर लिया। अपने कुछ संबंधियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया।
इस प्रकार खुसरो ने अच्छे ढंग से शासन की शुरुआत की थी, परंतु अहंकारी तुर्क सरदारों, जिनके हाथों में अब तक राजशक्ति का एकाधिकार रहा था, को यह पसंद नहीं आया कि उनके रहते एक भारतीय मुसलमान सिंहासन हत्या ले। अतः उन्होंने उसे पदच्युत करने का निश्चय किया। संयोग से उन्हें गाजी मलिक जैसा महत्वाकांक्षी नेता भी मिल गया, जो दीपालपुरा का सूबेदार और सीमा रक्षक था। गाजी मलिक का बड़ा लड़का जूना खान भी सुल्तान खुसरो के दरबार का प्रभावशाली अमीर था, और उसने राजधानी के अमीरों को अपने पिता के पक्ष में लाने का प्रयास भी किया होगा। गाजी मलिक ने इस्लाम पर आए संकट की दुहाई देकर सिविस्तान, मुल्तान और समाना के सूबेदारों से साथ देने का अनुरोध किया, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। आइनुल मुल्क ने भी सहयोग देने से इनकार कर दिया। सुप्रसिद्ध संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने तो खुसरो द्वारा दी गई भेंट भी स्वीकार कर ली। इससे स्पष्ट है कि बहुत से समझदार पुराने अमीरों को खुसरो के सुल्तान बन जाने से इस्लाम पर किसी प्रकार के संकट की आशंका न थी। अपनी योजना में विफल होने पर गाजी मलिक ने कुचक्रों के माध्यम से सिविस्तान, मुल्तान और समाना के युवा अधिकारियों और इन प्रांतों की धर्मांध मुस्लिम जनता की धार्मिक भावना को उत्तेजित कर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया, और शीघ्र ही उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना जुट गई। उधर जूना खान भी चुपचाप दिल्ली से भागकर अपने पिता के पास पहुंच गया। इसके बाद गाजी मलिक ने सेना सहित दिल्ली की तरफ कूच किया। मार्ग में समाना के सूबेदार यकलकी ने उसका विरोध किया, परंतु वह परास्त हो गया। इसके बाद सिरसा नामक स्थान पर सुल्तान के भाई इसामुद्दीन ने सामना किया, परंतु पराजित होकर भाग गया। खुसरो ने दिल्ली के समीप गाजी मलिक से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध के पूर्व ही आइन उल मुल्क अपनी सेना सहित मालवा की ओर चला गया, जिससे खुसरो की स्थिति कमज़ोर पड़ गई। फिर भी उसने बहादुरी के साथ तुगलक की सेना का सामना किया, परंतु वह परास्त हुआ और युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। उसे शीघ्र ही पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। सितंबर 1320 ईस्वी में गाजी तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं डायनेस्टी का डाउनफॉल हो जाता है, खिलजी डायनेस्टी का एंड हो जाता है, और उसके स्थान पर कौन सी डायनेस्टी आती है? तुगलक डायनेस्टी आती है। तो देखा जाए तो खिलजी डायनेस्टी को ज़्यादा लंबी, कंपैरेटिवली जो स्लेव डायनेस्टी में ज़्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही फेमस रहा, और अलाउद्दीन खिलजी पे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे खिलजी डायनेस्टी के, खिलजी वंश के क्या कारण थे पतन के, मतलब पतन के कारणों पर हम चर्चा डिस्कशन करेंगे।